नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी भी एप्लीकेशन या ऐप को अनइंस्टॉल कैसे करें। जी हां दोस्तों, आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया है या इंस्टॉल कर लिया है और अब आप उस एप्लीकेशन को या उस ऐप को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से उसे अनइंस्टॉल या डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो किस प्रकार करोगे, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप यहाँ पर ये आते हैं, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती है जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आसानी से एक ही क्लिक में यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर आपको इसका जो WhatsApp है इसका उदाहरण देने वाला हूँ। देखिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल होने के बाद हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ये आ जाता है। अब दोस्तों बात ये होती है कि हमने इसका उपयोग कर लिया और अब हम चाहते हैं कि इस ऐप को हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से हटा दें, अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, परमानेंट डिलीट कर दें, तो कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आपको यहाँ पर विंडो 10 है या 11 है तो आपको यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट का बटन मिलेगा, ठीक है, स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का बटन मिलेगा, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे बटन आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर ऐप वाला बटन दिखाई दे रहा है, आपको ऐप वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर भी काफ़ी बटन आ गए हैं, आपको सबसे ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा है इंस्टॉल्ड ऐप, यानी कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन आपने जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उससे आपने इंस्टॉल किया है या कोई आपने खुद से इंस्टॉल किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सभी ऐप आ जाएगी जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसको यहाँ से हटाना है, जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल कर रखी है अब आपको उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको उस ऐप के सामने चला जाना है। देखिए ये जैसे मान के चलो मैं यहाँ से YouTube को हटाने वाला हूँ, तो YouTube मेरे को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से हटानी है तो आपको यहाँ पर ये थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक अनइंस्टॉल का बटन आ गया है, आपको इस बटन पर क्लिक करना है, दोबारा से फिर अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए रिमूव यूट्यूब आल्सो क्लियर डेटा क्रोम, यानी कि दोस्तों अब आपके जो क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर से यूट्यूब का जो डेटा है यानी कि जो ऐप का डेटा है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर करना चाहो तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके गूगल क्रोम से भी इस ऐप का डेटा क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर रिमूव वाले बटन, जो रिमूव का बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी YouTube जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से हट जाएगी। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दो तीन ब्राउजर ओपन है ना जो गूगल क्रोम के, इसलिए ये यहाँ पर तीन एप्लीकेशन दिखा रहा है। अगर आपका वहाँ पर आप उसे इंस्टॉल करने जाओगे तो आपका वहाँ पर एक ही एप्लीकेशन होगा और वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।